हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पोको X2 का रिटेल यूनिट को अनबॉक्स करेंगे। और जो कलर है ये मैट्रिक्स पर्पल वाला कलर है, 6 GB 64 GB। तो एक्चुअली मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था बाई करने के लिए, पर जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा था। उसके बाद जब ये स्टॉक में आ ही नहीं रहा था फ्लिपकार्ट में, तो मैं बहुत ट्राई करके बाद अभी इसको मुझे मिला है। तो चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और मैं इस वीडियो के बाद में मैं और एक वीडियो लाऊंगा, जो कि पोको X2 में जो सबसे ज़्यादा बात करने वाला टॉपिक है वो है इसका बैटरी लाइफ में। तो एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज था कि इसको मैं लूँ कि ना लूँ। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब में बहुत वीडियो देखा था कि जिसमें बैटरी लाइफ के ऊपर बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों का ओपिनियन बहुत सारा था। पर एक्चुअली देखिए, मेरा जो यूसेज है वो मैं एक नॉर्मल यूज़र हूँ, और मैं उतना पबजी नहीं खेलता हूँ, और मैं इतना गेम नहीं खेलता। मैं बस कैजुअल गेमिंग करता हूँ, और फ़ोन या फिर व्हाट्सएप इसको यूज़ करता हूँ। नेट सर्फिंग मैं बहुत करता हूँ, यूट्यूब में बहुत देखता हूँ। तो मुझे एक्चुअली ऐसा कुछ ऐसा वीडियो नहीं मिला था जिसमें कि जिसके वीडियो में एक नॉर्मल यूजेज में इसका बैटरी लाइफ कैसा है उसके उसके ऊपर वीडियो है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन के बाद मैं डिसाइड किया कि चलो ठीक है, मैं खुद ही बाई कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन भी चाहिए था एक, और क्यों ना मैं खुद ही एक इसका बैटरी रिव्यू बनाऊँ उस यूज़र्स के लिए जिन लोग सिर्फ नॉर्मल यूजेज करेंगे। देखिए, सब लोग फ़ोन सिर्फ पबजी खेलने के लिए नहीं लेता है, या फिर गेम खेलने के लिए नहीं लेता है। बहुत सारे लोग हैं जो एज ए नॉर्मल यूज़र है, जिसमें जैसे वो फ़ोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, यूट्यूब करेंगे, बस सर्फिंग करेंगे और थोड़ा बहुत कैजुअल गेम्स खेलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने के पहले सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है आज के दिन में, तो सैनिटाइज़र लगा लेते हैं, हैंड सैनिटाइज़र। जो हैंड सैनिटाइज़र मैं लगा लिया हूँ, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसका ए वाला सील जो है, मैं इसको काट के रखा था बस बॉक्स कंटेंट देखने के लिए, पर उससे ज़्यादा मैं कुछ अनबॉक्स नहीं किया हूँ। तो ऐसा कुछ इसके अंदर और एक बॉक्स मिलता है, ये शायद इसका इनवॉइस है, इसको मैं साइड में रखता हूँ। और ये है आपका रिटेल पैकेजिंग। तो इससे पहले भी आप लोग शायद बहुत सारे अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे, क्योंकि डिवाइस भी बहुत दिन हो गया आ चुका है। पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आपका मैट्रिक्स पर्पल, जैसे मैं बोला था, 6 GB 64 GB। तो चलिए इसको, यहाँ पर दो सील है, इसको काट लेते हैं। एंड बॉक्स कुछ इस तरफ से है, इस साइड में पोको X2 लिखा हुआ है, इस साइड में कुछ आपका प्राइस वगैरह या फिर इम्पोर्ट अम्पोर्ट, और इस साइड भी पोको X2 लिखा है। ब्लैक कलर का बॉक्स है और सामने लिखा है रियलिटी फ्लो 120 Hz। तो बॉक्स थोड़ा टाइट है, ठीक है। तो इसको ओपन करने के बाद हमें एक येलो कलर का बॉक्स मिल जाता है, जिसमें शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन ही है, एंड एक सिम इजेक्टर पिन है, इसको साइड में रख देते हैं। और इसके अंदर आपको एक केस मिलेगा, एक नॉर्मल TPU केस है, जो कुछ दिन बाद ये बॉक्स के कलर में ही हो जाएगा, ऐसे पीला पीला येलो कलर का ही हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे हमको डिवाइस मिल जाता है, तो फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं इसके अंदर और क्या है, ठीक है। और इसके अंदर आपको एक USB Type-C चार्जिंग केबल मिलता है, मैं दिखा देता हूँ, एंड एक आपका चार्जर मिलता है। तो चार्जर भी बहुत ही बड़ा है दोस्तों, मैंने इसके पहले जितना भी फ़ोन यूज़ किया था तो उसका चार्जर भी कितना बड़ा नहीं था। तो ठीक है, चलिए पहले इस सभी को मैं साइड में रखता हूँ एंड फ़ोन की तरफ चलते हैं। तो फ़ोन कुछ इस तरह से ओपन होगा,
तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये है इसका मैट्रिक्स पर्पल कलर। तो फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये फ़ोन थोड़ा टॉल है पर मैनेजेबल है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। एंड देख सकते हैं पीछे चार कैमरा है, यहाँ पर साइड में फिंगरप्रिंट जो है ये साइड माउंटेड है, वह वॉल्यूम रॉकर, ऊपर में आपका आईआर ब्लास्टर, सेकेंडरी माइक्रोफोन, नीचे में आपका यूएसबी टाइप सी, प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर एंड हेडफोन जैक, और इस साइड में आपका सिम कार्ड होल्डिंग वाला जो कंपार्टमेंट होता है वो। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को स्टार्ट कर लेते हैं और इनिशियल स्टार्टअप देख लेते हैं इसका कैसे है। तो दोस्तों फ़ोन थोड़ा बड़ा है साइज़ में, अगर आपका हाथ छोटा है तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा चौड़ा भी है और लंबा भी है। बाकी तो ये जो सर्किल वाला डिज़ाइन है ये तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। और ये जो ब्लैक साइड है ये भी इसका ग्लास है, तो इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट दिखाई देगा बहुत आसानी से। पर ये जो मैट्रिक्स पर्पल कलर है ये कुछ अजीब सा ही है, मतलब आपको कैमरा में उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा होगा, जब आप इसको सामने से किसी भी दिन देखेंगे किसी के हाथ में, या फिर आप कोई भी शोरूम में, या फिर आप खुद खरीद लेंगे तो आपको पता चलेगा। कलर बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, बहुत ही बढ़िया है। एक मतलब लाइक इट और हेट इट जैसा है, तो शायद किसी सब लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है। तो MIUI 11 इसके साथ आता है, तो चलिए इसको जल्दी से मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये सेटअप कंप्लीट हो चुका है, इनिशियल जो सेटअप है। और हाँ सच में ये जो 120 Hz वाला डिस्प्ले है तो इसमें, हाँ इसमें आपको फ़र्क दिखाई देगा, ज़रूर दिखाई देगा। आपको कैमरा में इसको पता नहीं चलेगा पर आपको जब इन हैंड आपको डिवाइस आपके पास होगा तब तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और मैं एक, जैसे मैं पहले बोला कि मैं इसके ऊपर एक बैटरी का एक वीडियो मैं लाऊंगा, जो इसका बैटरी बैकअप है नॉर्मल यूजेज के ऊपर, तो नॉर्मल यूजेज के ऊपर इसका कैसा बैटरी लाइफ है उसके ऊपर मैं भी वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ फिर से आपके साथ एक नए वीडियो में। सो टिल देन, बाय बाय।